Hello everyone, my name is Shubham Singhania and I'll be your mentor for UGC NET, Commerce and Management. So, आज हम बात करने वाले हैं कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चंस के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके UGC NET एग्जाम पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो इससे पहले कि हम क्वेश्चंस को शुरू करें, मैं आपको बता दूं कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चंस बहुत ही ईजी होते हैं, लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और इनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ये आपको ये मेजर कर सकें कि क्या आप एज अ टीचर वो स्किल्स हैं आप में जो आपको हेल्पफुल होंगी स्टूडेंट्स को चीज़ें सिखाने में, इंटरप्रेट करने में, और क्या आप एज अ टीचर बिहेव कर पाएंगे. सो लेट अस मूव अहेड एंड हैव अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे. सो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच फिलॉसफी ऑफ टीचिंग इज यूजफुल फॉर स्टूडेंट इन टूडेज वर्ल्ड. सो आज के टाइम में कौन सी फिलॉसफी ऑफ टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जैसे कि बहुत सारी फिलॉसफी के बारे में सुना होगा आपने, तो आज उनमें से ही कुछ फिलॉसफी के बारे में हम बात करने वाले हैं. सो ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार. सो ऑप्शन ए इज आइडियलिज्म, ऑप्शन बी इज प्रैग्मेटिज्म, ऑप्शन सी इज रियलिज्म एंड ऑप्शन डी इज एक्सटेंशियलिज्म. सो अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इन चारों थ्योरीज के बारे में पता हो, तो एक एक करके बात करेंगे. पहले आइडियलिज्म थ्योरी के बारे में बात करें तो ये थ्योरी प्लेटो ने दी थी. प्लेटो का नाम सुना होगा आपने, बहुत ही फेमस फिलोसोफर है. तो जब हम आइडियलिज्म थ्योरी के बारे में बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि आइडियलिस्ट वो होते हैं जो ये मानते हैं कि उन्हें कुछ भी मटीरियल थिंग्स, जैसे जो भी लग्जरीज हैं, जो भी दुनिया के बेनिफिट्स हैं, उनसे कोई मतलब नहीं होता एंड दे हैव अटेंड सैल्वेशन. वो सैल्वेशन की तरफ, मोक्ष की तरफ बढ़ चुके हैं और उनका सारा का सारा ध्यान जो होता है अपने सोल और माइंड के ऊपर होता है. वो अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल करते हैं और सोल के बारे में बातें करते हैं. सो ये आइडियलिस्ट होते हैं और इनको कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों का कोई भी मोह नहीं होता. प्रैग्मेटिज्म थ्योरी के बारे में बात करते हैं, ये बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के बारे में बात करती है कि लाइफ की तरफ आपका बहुत ही प्रैक्टिकल और रियल अप्रोच होना चाहिए. ये प्रैग्मेटिज्म थ्योरी जो है ये हमें सैंडर्स चार्ल्स ने दी थी. ये नाम भी याद कर सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कौन सी थ्योरी किसने दी है. तो सैंडर्स चार्ल्स नाम के फेमस फिलोसोफर ने ये प्रैग्मेटिज्म थ्योरी दी थी और ये लाइफ की तरफ आपको प्रैक्टिकल होना सिखाता है कि लाइफ इज़ फुल ऑफ चेंजेस एंड अनसर्टेनिटी. कोई भी चीज़ कॉन्स्टेंट नहीं रहती है, तो हमें लाइफ को बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए. थर्ड थ्योरी देखते हैं, रियलिज्म. रियलिज्म थ्योरी दी थी हमारे बहुत ही फेमस फिलोसोफर एरिस्टोटल ने, आपने इनका नाम ज़रूर सुना होगा. तो ये कहते थे कि जो लाइफ है इट इज़ फुल ऑफ रियलिटी. जो भी चीज़ लाइफ में हो रही है या एग्जिस्ट करती है उनको हम प्रूव कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ ग्रेविटी. लॉ ऑफ ग्रेविटी बहुत ही अच्छा एग्जांपल है इसका कि अगर हमें लॉ ऑफ ग्रेविटी को प्रूव करना है तो हम फॉलिंग ऑफ एन एप्पल या किसी और एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर सकते हैं. फोर्थ थ्योरी है एक्सटेंशियलिज्म. एग्जिस्टलिज्म जो थ्योरी है ये हमें दी थी सोरेन किकगर्ड ने. सो इनका नाम भी याद करना बहुत ज़रूरी है, हो सकता है आपको मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए. और एग्जिस्टलिज्म थ्योरी जो है वो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के सेंटर पे बेस्ड है. वो ये बोलती है कि जो ह्यूमन का एग्जिस्टेंस है वो उसने खुद ने डिज़ाइन किया हुआ है. मतलब जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव करते हैं, जो भी लाइफ का पर्पज़ है, जो भी मीनिंग है, ये आप खुद क्रिएट करते हैं और हर एक इंसान यूनिक है. सो आपको कोई सुप्रीम पावर या कोई और पर्सन नहीं है जो आपको गाइड करेगा. इट इज़ एक्चुअली यू हु हैज़ टू टेक अ डिसीजन कि आप अपने लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या उस लाइफ को आप मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं और कैसे. सो ये चार थ्योरीज थी. सो अगर हम आज के स्टूडेंट्स के फॉर्म में बात करें कि कौन सी थ्योरी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच देती है या कौन सी थ्योरी सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो प्रैग्मेटिज्म होगी, डेट इज़ बी, क्योंकि लाइफ में हमें आजकल बहुत प्रैक्टिकल बनने की जरूरत है. सो ये फर्स्ट क्वेश्चन था. लेट इज मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन नाउ. ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सनैलिटी ऑफ अ स्टूडेंट इज अचीव थ्रू डैश. सो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो ओवरऑल डेवलपमेंट है पर्सनैलिटी की स्टूडेंट, वो इनमें से किस चीज़ों से अचीव हो सकती है. सो एक बार चारों ऑप्शन को देखते हैं. ए पर्सनैलिटी टेस्ट, बी मॉक इंटरव्यूज, सी वैल्यू एजुकेशन एंड डी इनफॉर्मल एजुकेशन. एक बार चारों टर्म्स को भी समझ लेते हैं. पर्सनैलिटी टेस्ट जो होते हैं वो आपके इंटरेस्ट और पर्सनैलिटी को मेजर करते हैं कि आपकी रुचि किन चीज़ों में है, स्पोर्ट्स में है या अदर किन चीज़ों में है. सो पर्सनैलिटी टेस्ट हमें ये मेजर करके बताता है. मॉक इंटरव्यूज देखते हैं आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं और क्या आप किसी भी जॉब के लिए या किसी अदर चीज़ के लिए सूटेबल हैं कि नहीं हैं. और कम्युनिकेशन स्किल्स और इंटरपर्सनल स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट कराए जाते हैं. नेक्स्ट वैल्यू एजुकेशन. जो वैल्यू एजुकेशन होता है वो एक ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी के लिए होता है, जहाँ पे आपकी एजुकेशन के साथ साथ आपके मॉरल वैल्यूज़ पे भी काम किया जाता है. आपको मॉरल वैल्यूज सिखाए जाते हैं कि किस तरीके के आपका मैनरिज्म होना चाहिए, किस तरीके के आपके एथिक्स होने चाहिए, और ये सारी चीज़ें आपको वैल्यू एजुकेशन में प्रोवाइड की जाती हैं.
इनफॉर्मल एजुकेशन जस्ट अपोजिट टू फॉर्मल एजुकेशन. जिस तरीके से आपको स्कूल में एक फॉर्मली एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, उसी तरीके से अगर घर में आपके पेरेंट्स या आपके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स या आपके फ्रेंड्स आपको कुछ किसी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाते हैं या सिखाते हैं तो उसे इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं. सो अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है वो वैल्यू एजुकेशन से होता है, जहां पढ़ाई के साथ साथ आपको मॉरल और एथिकल वैल्यूज भी सिखाई जाती हैं. सो बहुत ईजी क्वेश्चन है, लॉजिकली आंसर किया जा सकता है. आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोडक्ट्स ऑफ लर्निंग, मतलब अगर आप कुछ अच्छी चीजें लर्न करते हैं तो उसका आउटकम क्या है, उसके प्रोडक्ट्स क्या हैं, इस चीज के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे. सो फर्स्ट ऑप्शन इज स्किल्स, कि आप स्किल्स लर्न करते हैं. सेकेंड इज कंटेंट, जो कंटेंट डेवलप किया है एकेडमिक कंटेंट के बारे में. सी एटीट्यूड, कि आपके एटीट्यूड में इंप्रूवमेंट होता है. फोर्थ कंसेप्ट्स, कि आप कंसेप्ट्स बिल्डिंग करते हैं. फिफ्थ नॉलेज, कि आपकी नॉलेज बढ़ती है. तो हमें यह बताना है कि जब भी आप कुछ लर्न करते हैं, जो भी आपकी लर्निंग्स होती हैं, उनका प्रोडक्ट क्या क्या होता है. सो क्लियरली अगर हम देखें, स्किल्स भी हमें सीखने मिलती है, एटीट्यूड में भी हमारे चेंज आता है, बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, कुछ कंसेप्ट भी हमें पता चलते हैं और हमारी नॉलेज भी बढ़ती है. बट कंटेंट इज अ प्री रिक्वेसाइट, लर्निंग से पहले हमें कंटेंट बनाना होता है. इट्स नॉट एन आउटकम, इट्स नॉट अ प्रोडक्ट. तो सेकेंड ऑप्शन नहीं हो जाएगा. सो क्लियर कट हमारा जो आंसर हो जाएगा वो है बी, दैट इज फर्स्ट थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ ऑप्शन. मूविंग अहेड विद द फोर्थ क्वेश्चन फॉर द डे. अ सेंसरी डिसेबल्ड स्टूडेंट इज अ पार्ट ऑफ योर क्लास, वॉट कोर्स ऑफ एक्शन यू शुड नॉट टेक टू इंश्योर हिज हर लर्निंग. अब यहाँ पर कुछ टर्म्स समझना बहुत ज़रूरी है. सेंसरी डिसेबल्ड स्टूडेंट वो होता है जिसको जो भी फाइव सेंस ऑर्गेन्स हैं, हियरिंग, साइट, टेस्ट, टच, ये जो सेंसेज हैं, जो फाइव सेंसेज हैं, इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो. तो क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि अगर कोई सेंसरी डिसेबल स्टूडेंट जिसको इन पांच सेंसेज में से किसी भी एक सेंस को मेजर करने में प्रॉब्लम आती है, वो अगर आपकी क्लास में बैठा है तो कौन सा एक्शन आप नहीं लेंगे टू इंश्योर हिज लर्निंग. क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, नॉट पूछा जा रहा है. ऑप्शंस को देखते हैं. कीप द पेस ऑफ द क्लास अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स, ठीक है ये तो हमें करना चाहिए. बी गिव द स्टूडेंट स्पेशल अटेंशन, बिल्कुल ठीक है. अगर आप एक अच्छे टीचर हैं, इम्पैथेटिक टीचर हैं, तो अगर आपके क्लास में कोई डिसेबल्ड स्टूडेंट है तो आपको उस पर स्पेशल अटेंशन देना चाहिए उसकी लर्निंग के लिए. सी अरेंज फॉर रिटन और ओरल नोट्स, अगर उसे सुनने में लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसके लिए रिटन और ओरल नोट्स अरेंज कर सकते हैं, तो ये भी हमें करना चाहिए. फोर्थ आस्क द स्टूडेंट पोलाइटली टू अटेंड द स्कूल्स फॉर स्पेशल स्टूडेंट्स, ये हमें नहीं करना चाहिए, इसलिए ये करेक्ट आंसर है. क्योंकि अगर हम ये करते हैं तो उसकी लर्निंग पे फर्क पड़ेगा, उसका कॉन्फिडेंस और मोरल अंडर डेवलप्ड होगा. तो हमें ये नहीं करना है, हमें उसे इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है ताकि वो बाकी स्टूडेंट्स की तरह पढ़ सके और उसे ये फील ना हो कि वो स्पेशली चैलेंज स्टूडेंट है. मूविंग अहेड विद द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. इफ अ स्टूडेंट डू नॉट अटेंड अ टीचर्स क्लास, द टीचर शुड. अब अगर आपका कोई स्टूडेंट आपकी क्लास अटेंड नहीं कर रहा है तो इनमें से क्या करना चाहिए आपको एज अ टीचर. फर्स्ट इग्नोर कर देना चाहिए, एज इफ ये स्टूडेंट्स की चॉइस है, सो ये हमें नहीं करना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल आंसर नहीं हो सकता. सेकंड, कॉल अप द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड इन्फॉर्म देम. सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम रीज़न जाने स्टूडेंट से कि वो क्यों अटेंड नहीं कर रहा. अगर हम डायरेक्टली पेरेंट्स को कॉल कर देंगे या पेरेंट्स से बात करेंगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं. वो स्टूडेंट हो सकता है आपकी क्लास में और ना आने लगे, या अगर आए भी तो क्लास में इंटरेस्ट ना ले. तो एज अ टीचर ये बहुत ज़रूरी है कि आप पहले रीज़न समझें कि वो क्लास में क्यों नहीं आ रहा है. और ऑप्शन देखते हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट स्टूडेंट्स मे हैव सम पर्सनल प्रॉब्लम्स, ठीक है ये बात बिल्कुल ठीक है कि स्टूडेंट को कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, बट एज अ टीचर आपकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस रीज़न को पता करें कि क्या प्रॉब्लम है, उससे डिस्कस करें, उससे बात करें. Let us have a look at the fourth option. Try to know the reason for the absence and remove them. So, जब आप उससे बात करेंगे तो हो सकता है कुछ आपको ऐसा कुछ पता चले जो आप रिमूव कर सकते हैं, जो वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसे आप ठीक कर सकते हैं. सो एज अ टीचर आपको सबसे पहले रीजन जानने की कोशिश करनी चाहिए और फिर अगर वो हो सके तो उसे रिमूव कर देना चाहिए. सो एज अ टीचर आपको फोर्थ ऑप्शन लेना चाहिए. सो दैट वॉज ऑल फॉर टूडे. आई होप कि जो भी हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं एप्टीट्यूड से रिलेटेड, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड आज जो क्वेश्चंस हमने किए हैं ये आपको हेल्पफुल होंगे आपके यूजीसी नेट एग्जाम के लिए. ऑल्सो हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. सो आप उस डिस्क्रिप्शन में से लिंक को यूज़ करके आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स, क्वेश्चंस और फ्री स्टडी मटेरियल पीडीएफ्स मिल सके. ऑल्सो अगर आपको लगता है कि आज आपने कुछ नया सीखा है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल अनुज जिंदल. Till then, keep studying, keep revising. Thank you and have a nice day.